दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महान वैज्ञानिक गणितज्ञ गैलीलियो गैलीली की, जिनका जन्म 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में हुआ था, जो कि अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़े थे। तो चलिए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। दोस्तों गैलीलियो जब 10 साल के थे तो उनका परिवार पीसा के फ्लोरेंस शहर चला गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। उनके पिता एक फेमस म्यूजिक टीचर थे, शायद इसी वजह से गैलीलियो एक बहुत अच्छे संगीतकार और मेधावी छात्र थे जो कि डॉक्टर बनना चाहते थे। इसीलिए गैलीलियो 1581 ईस्वी में महज 15 साल की उम्र में डॉक्टर की पढ़ाई के लिए पीसा यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन वहां पर जाने के कुछ समय बाद उनकी रुचि डॉक्टर की बजाय फिजिक्स और मैथ में हो गई। एक दिन प्रार्थना के लिए जब गैलीलियो चर्च गए, तब उनका ध्यान चर्च की छत पर लगे एक लैंप पर पड़ा, जो हवा की वजह से झूल रहा था। उन्होंने ध्यान से उसे देखा और पाया कि लैंप को हर स्विंग पूरा करने में एक बराबर समय लग रहा है। भले ही स्विंग की लंबाई हर बार अलग थी, गैलीलियो स्विंग पूरा होने का समय अपनी नब्ज द्वारा नापते थे। और इसके बाद से तो गैलीलियो ने चर्च में किए अपने अवलोकन की जांच के लिए एक प्रयोग शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए पेंडुलम का सहारा लिया और पाया कि यदि हम पेंडुलम को लटकाकर उसे झुलाते हैं तो उसके बड़े स्विंग और छोटे स्विंग दोनों में ही बराबर समय लगता है। 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने हॉलैंड के एक वैज्ञानिक द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन दूरबीन की खोज के बारे में सुना, जिसकी सहायता से बहुत दूर की चीजों को बहुत आसानी से देखा जा सकता था। तब गैलीलियो ने सोचा क्यों ना खुद की एक ऐसी ही दूरबीन बनाई जाए, और कुछ समय बाद उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। और दूरबीन बनने के बाद उन्होंने रात में आकाश का निरीक्षण शुरू कर दिया। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन की सहायता से लंबे समय तक बृहस्पति ग्रह का अध्ययन किया और इसके 4 चंद्रमाओं को भी खोज निकाला, इसलिए इन्हें गैलीलियन चंद्रमा भी कहते हैं। इन चंद्रमाओं के नाम हैं आईओ, गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा। के अलावा गैलीलियो ने यह भी पाया कि पृथ्वी के चंद्रमा की सतह समतल नहीं है, बल्कि इस पर दरारें और गड्ढे भी हैं। उन्होंने सूर्य पर पड़ने वाले काले धब्बों, शुक्र ग्रह की कलाओं और शनि ग्रह के छल्लों का भी अध्ययन किया। दोस्तों गैलीलियो ने अपने से लगभग 100 साल पहले हुए वैज्ञानिक कोपरनिकास के शोधों पर भी अध्ययन करना शुरू किया, जिसने कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कोपरनिकास को इस खोज के कारण कट्टर ईसाइयों ने उन्हें जिंदा जला दिया था, क्योंकि उनके अनुसार सूर्य समेत सभी पिंड पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। जब 1632 ईस्वी में भूगोल विज्ञान के क्षेत्र में किए गए अपने अध्ययन के ऊपर गैलीलियो ने एक पुस्तक लिखी, में उन्होंने बताया कैसे पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। पर इसका उन्हें भी बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ा, क्योंकि कैथोलिक चर्च को जब गैलीलियो के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे ईसाई धर्म की आस्था पर चोट माना और गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि उन्हें बाद में घर पर नजर बंद कर दिया गया। घर में नजर बंद रहने के बावजूद गैलीलियो ने लिखना जारी रखा, पर उनके आखिरी कुछ सालों में उनकी आंखों की शक्ति चली गई और 8 जनवरी 1642 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। वह अल्बर्ट आइंस्टीन के सबसे फेवरेट थे। दोस्तों हमें जड़त्व का सिद्धांत भी गैलीलियो ने ही दिया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।